युवा प्रोड्यूसर अभिषेक श्रीवास्तव और आयुष जायसवाल करेंगे उत्तर प्रदेश के युवा प्रतिभागियों को प्रमोट मिस्टर और मिस यूपी आइकॉन के जरिए। सक्षम न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। कहा जाता है कि उम्र नहीं मायने रखती है, काम मायने रखता है। अगर एज देखी जाए, यंगर प्रोड्यूसर कहा जाए तो यंगर प्रोड्यूसर है, लेकिन इनके माइंड की बात की जाए, इनके दिमाग की बात की जाए, इनकी सोच को लेकर कि इन्होंने सोच लिया है जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं यूपी मिस्टर एंड मिस को लेकर, कि जो भी यूपी में छुपे हुए कलाकार हैं जिनकी एक्टिंग को लेकर वो उन्हें ढूंढ कर लाना चाहते हैं, उनका जो टैलेंट है उस टैलेंट को लोगों के सामने एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं। तो आपका स्वागत है आयुष जी। जैसा मैं देख रहा हूँ सब जगह कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, दिल्ली मुंबई हर जगह, लेकिन यूपी में भी अपने बहुत सारे टैलेंट्स हैं जिनको मौका नहीं मिल रहा, तो हम इस शो के थ्रू उनको एक मौका देना चाहते हैं, उनको ग्रूम करके एक सही प्लेटफॉर्म देके काफ़ी आगे तक पहुँचाना चाहते हैं। तो ये यूपी में कौन कौन सी जगह पे, कहाँ कहाँ पे इसका ऑडिशंस होने वाला है और किन 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 बातों पर ध्यान देने वाले हैं आप? यूपी में ये 9-10 सिटीज़ में ऑडिशंस हो रहे हैं हमारे, और हम मेन हमारा कॉन्सेप्ट मॉडलिंग है, और मॉडलिंग और एक्टिंग के फोकस कर रहे हैं हम इस पर। तो आप एक कहा जाता है कब बहुत कम सी एज में, और इस तरह से आपका दिमाग किस तरह से आपने सोचा कि आपको इस तरह करना चाहिए, किस तरह आपके माइंड में आई ये बात? मुझे भी काफ़ी इस फील्ड में काफ़ी इंटरेस्ट था, लेकिन फिर भैया लोग से मिला, काफ़ी लोग से इंट्रोड्यूस हुआ, उसके बाद मुझे लगा कि जब मैं इस स्टेज पे पहुंच चुका तो मैं दूसरों को भी चीज़ें प्रोवाइड कर सकता हूं। तो आयुष जी, आपने कभी ये नहीं सोचा कि आपको भी एक्टिंग करना चाहिए? नहीं, मुझे कभी एक्टिंग का लगा नहीं कुछ करने के लिए, लेकिन हाँ अगर आगे मैं कुछ हुआ तो आगे ज़रूर करूँगा। और अभिषेक जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जी बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो आपका, और मैं ये कहना चाहूँगा हम यूपी से हैं, इलाहाबाद के रहने वाले हैं, तो वहाँ पे जो बच्चे होते हैं उन्हें हर घर में एक बच्चे को एक्टर बनना है, उनका सपना ये है, और वो एक साल दो साल थिएटर करते हैं, मॉडलिंग करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, उसका जब वो बॉम्बे आते हैं ना तो उनको लोग चीट करते हैं, वो निराश होकर घर लौट जाते हैं, तो इसलिए हम शो कर रहे हैं, और ताकि उन बच्चों को सही प्लेटफॉर्म दे सकें, उनके साथ कोई फ्रॉड ना हो, कोई गलत चीज़ें ना हो, तो ये लेके हम शो अपना अनाउंस कर रहे हैं। तो जिस तरह से जब कोई प्रोग्राम हम ऑर्गेनाइज़ करते हैं तो लोगों तक पहुंचना भी बहुत ज़रूरी होता है, कहीं ना कहीं अगर आप उस प्रोग्राम को कर रहे हैं और लोगों तक जब मालूम नहीं पड़ेगा तो वो जो घर के बच्चे जो आप बता रहे हैं हर एक घर में एक एक्टर है, तो वो बाहर निकलेंगे, तो इस तरह को आप किस तरह लोगों तक पहुँचाएंगे कि हर घर में ये बात पता चले कि आप लोग इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़? जी सबसे पहले तो हमारे जो जज पैनल में है वो अभी अन्ना से बात चल रही, सुनील शेट्टी से, राजपाल जी हैं और जरीन खान जी से बात चल रही है, तो ये बड़ी चीज़ है हमारे में। और दूसरी चीज़ हमारा पीआर है, बहुत डिजिटल मार्केटिंग हो रही है और जो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सब अपने साथ है, तो उस लेवल पे हम कर रहे हैं उसको। तो और क्या किन किन बातों को ध्यान में रख के आप ये चीज़ करने के लिए सोच रहे हैं, और आपने यूपी को ही क्यों सोचा? सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, यूपी में आप देखो अपने इंडस्ट्री में यूपी के बहुत सारे एक्टर हैं, राजपाल भैया हैं, जिमी शेरगिल जी हैं, तो बहुत सारे लोग हैं, तो हम ये इसलिए डिज़ाइन किया हमने कि किसी के साथ कुछ गलत ना हो, और हम सबसे बड़ी बात जो हमारे विनर होंगे ना उन्हें हम एक अपनी फिल्म, अभी मैं कुटुंब द फैमिली में एसोसिएट प्रोड्यूसर था और नेक्स्ट फिल्म मैं खुद एज अ को प्रोड्यूसर कर रहा हूँ, तो हम जो विनर होंगे उन्हें हम अपनी फिल्म में काम देंगे, मतलब हमें कहीं भटकने की जरूरत नहीं या कहीं सजेस्ट करने की जरूरत नहीं कि आप इन्हें काम दो, ये विनर हैं हमारे, हम अपने प्रोजेक्ट काम देंगे उनको। और आगे अगर आगे की हम बात करते हैं, ऑडिशंस की बात करते हैं, सबसे पहले वो कौन सी जगह होगी जहाँ पर आपकी ऑडिशंस होगी? जी सबसे पहले हम लखनऊ शुरू कर रहे हैं, और लखनऊ, आगरा, कानपुर, वाराणसी, मैनपुरी, इटावा, मतलब टोटल 10 शहर हैं जहाँ हम ऑडिशन कर रहे हैं, और ऑडिशन करने के बाद हमारा 3-4 स्टेप में है, वो जल्दी आपको पता चल जाएगा कैसे है, तो उस तरह से करेंगे इसको। तो कोई ऐसे कितने ऐसे भी टैलेंट होते हैं जिस तरह से एक विलेज से आप टैलेंट्स को ढूंढने की बात कर रहे हो, तो उन्हें कहीं ना कहीं क्लास और ये सब चीज़ फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती, लेकिन उनके अंदर टैलेंट होता है, तो जब आप उनको लेते हो तो उनके ट्रेनिंग को लेकर आप कितना ध्यान दिया जाएगा, और कौन कौन होंगे ट्रेनर? ग्रूमिंग में कई लोगों से बात चल रही है, नॉन फेसेस हैं, एक्टर्स हैं, और हम लोग लखनऊ पे ही ग्रूमिंग क्लासेस करेंगे, 4-5 डेज जितना होगा आपको आगे पता चलेगा। आप टैलेंट ढूंढने के लिए यूपी में जा रहे हैं, आपने इतना बड़ा मुहिम सोचा, इतनी अच्छी सोच रखे आप यूपी में जा रहे हैं, तो जो लोग हैं वहाँ के किस तरह से तैयार रहे और आपके बीच आए, आपके प्लेटफॉर्म पर आए, उन लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा जो वहाँ पे जिनको एक ड्रीम है इनके, जिनके पास कि मुझे ये करना है, अगर उसके लिए कैपेबल हैं तो हमारे शो में वो पार्टिसिपेट करें, और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चीज़ें हैं तो उसके लिए हमारे ट्रेनर्स होंगे जो उन्हें ग्रूम करेंगे, फिर वो हमारे शो में आगे आएंगे, यही है। इट्स अ बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट, आपको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है और इसके थ्रू आप काफ़ी अच्छे लेवल तक पहुंच सकते हो, और ये यूपी में फर्स्ट टाइम इतने बड़े लेवल पे शो हो रहा है, और इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। यूपी के हर टैलेंट को देखा जाएगा और उन्हें उनका उनकी एक्टिंग को लोगों के सामने प्रूफ करने का मौका मिलेगा मिस्टर एंड मिस यूपी अवार्ड के जरिए। कैमरामैन राम मिश्रा के साथ मैं शानी सिंह, सक्षम न्यूज इंडिया, मुंबई। ग्लोबल एडवर्टाइजर्स स्केलिंग न्यू हाइट्स।
in outdoor media.